बताएं जैन साहब। यस, वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, ये देखिए ये कंपनी मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ और मेरी मुझे ये काफी अच्छी लगती है। तो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंटली जो भी कंपनी अगर लार्जेस्ट होती है अपनी प्रोडक्ट में तो उसकी एक अलग महत्व होती है, और ये पावर टिलर्स का नंबर वन ब्रांड है इनका, जिसको वॉक इन ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, और फिल्ट्रैक के नाम से ये लोग ट्रैक्टर भी कुछ यूरोपियन मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करते हैं। सो ओवरऑल देखिए, जब मैं टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ और फार्म इक्विपमेंट्स की और फार्म इंप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो काफी बुलिश मैं साउंड, मुझे लगता है कि ये सेगमेंट बहुत बढ़िया करेगा इंडिया में, बींग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, और जिस तरीके से अब रूरल इनकम, भारत की इनकम बढ़ रही है तो इन सब इक्विपमेंट्स की और इन सब चीजों की काफी कंजम्पशन बढ़ने वाला है और लोग काफी यूज भी कर रहे हैं। 1967 से ये कंपनी कार्यरत है, वीएसटी ग्रुप है, जो कि 1911 से काम कर रही है वीएसटी एंड सन्स बैनर के नाम पे, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ करता था। फिर 1967 में ये कंपनी आई, और देखिए सबसे बढ़िया बात है इसमें तीन जो टाइप वो थे, मतलब प्रोमोटर्स, वीएसटी ग्रुप तो था ही खुद, और इसमें टेक्निकल कोलैबोरेशन है मित्सुबिशी का, और दूसरा मैसूर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, उस टाइम पे 20% वो लोग होल्ड करते थे। तो इस तरीके की पेडिग्री है कंपनी की। तो पावर टिलर्स, ट्रैक्टर्स, राइस प्लांटर्स, ट्रांसप्लांटर्स और ये सारे वीडर्स वगैरह बनाते हैं। फंडामेंटल्स पे अगर मैं आता हूं तो आप देखिए 19.5% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की है, एक जीरो डेट कंपनी है। फिर सेप्टेम्बर के रिजल्ट बहुत बढ़िया है और पिछले 4-5 क्वार्टर्स बहुत बढ़िया गया कंपनी के। जनरली ये 16-18 करोड़ कमाती है, बट पिछले सेप्टेम्बर में भी 30 करोड़ था और इस सेप्टेम्बर में भी 32 करोड़ का पैट है, और जून में भी बढ़िया रिजल्ट्स थे। एंड सो टीटीएम बेसिस पे 100 करोड़ का पैट कमा रही है, और एफआईआईज और डीआईआईज की भी काफी अच्छी होल्डिंग है प्रोमोटर्स के अलावा। इसमें देखिए करीब 20% 21% एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं, और जिसमें से डीआईआईज ने बढ़ाया भी, और निप्पॉन इंडिया ने पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी स्टेक बढ़ाई है इसमें। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे अगर लेते हैं हम तो आराम से जो ऊपर का लेवल दिखा रहा है ये स्टॉक 3450-3460 के हाइज बनाया है, उसके बाद करेक्ट किया हुआ है, तो आराम से यहाँ पे 3450 के टारगेट के लिए स्टॉक को आने वाले 6-9 महीने के लिए खरीदें। 3450 के टारगेट, तो वीएसटी टिलर्स बढ़िया टारगेट्स आ रहे हैं जैन साहब की तरफ से, इस काउंटर के लिए नजर रखिएगा इस पर, अच्छे मोमेंटम में भी आपको आते हुए दिख रहा है वीएसटी टिलर्स, अच्छा एक्शन इस पर बनेगा। इस बीच तेजी से ऊपर आया है टाटा मोटर्स और सुमित जी का कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों काउंटर्स पर रखिए नजर, एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एक्शन थोड़ा आईआरसीटीसी में भी बन रहा है। जय, थोड़ा रिस्क रहता है आईआरसीटीसी में ऑफ लेट जब से वो इवेंट्स हुए हैं, बट खबर यह है कि रेलवे जो अपना पुराना शेड्यूल था अब वापस पूरा शेड्यूल प्री कोविड लेवल का जल्द वापस लाएंगी, तो 1700 और ट्रेन जल्द ही